पंडित जी, एक और धुरंधर नेता है हमारे महाराष्ट्र के, जो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए सीमित नहीं है, पूरे देश में जाने जाते हैं, पूरी देश की राजनीति में महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा है, शरद पवार जी। शरद पवार जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 2019 को अगर देखा जाए तो शरद पवार जी से काफी सारी उम्मीदें हर किसी को है। बिल्कुल, उम्मीदें ही नहीं, शरद पवार आज भारत के एकमेव ऐसे नेता हैं जी जिन्होंने पूरे देश को एक माला में पिरोने का प्रण लिया हुआ है। इतनी बड़ी बीमारी से बाहर आने के बाद भी वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो 14 घंटे से 16 घंटे काम कर रहा है। जी हाँ। और अगर हम देखें राष्ट्र के प्रति और महाराष्ट्र के प्रति जितना समर्पण शरद पवार में है, मैंने कोई नेता में नहीं देखा। इसलिए मैं उनको हाथ जोड़कर नमन करता हूँ और उनकी उनके इस परिश्रम की सराहना करता हूँ। अब उनकी कुंडली की बात करते हैं। डेफिनेटली कुंडली में अगर पराक्रम है, कुंडली में अगर आरोग्य है, कुंडली में अगर रोग है, तो वो सामने नजर आता है। 12/12/1940 बारामती में उनका जन्म हुआ। और मेष राशि, मेष राशि मंगल की अपनी राशि है, जिस चीज़ को ठान ले उसको करके रहते हैं, जिस चीज़ के पीछे पड़ जाएं उसका उसको पूरी तरह से करके लेते हैं। और अगर हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 18 साल की उम्र से राजनीति में कदम रखा, चाहे वो विद्यार्थी राजनीति थी, चाहे फिर वो अपना कांग्रेस की राजनीति थी, अपनी खुद की पार्टी बनाकर आगे बढ़े, फिर अपनी खुद की पार्टी बनाई, लोगों को इकट्ठा करने में शरद पवार जितना सक्षम मैंने नेता आज तक देखा ही नहीं। जी हाँ। अब लोगों को अगर जो व्यक्ति इकट्ठा कर सकता है, महाराष्ट्र को एकत्रित कर सकता है, तो डेफिनेटली देश के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। 2019 में मैं पहले भी इसी कार्यक्रम के माध्यम से कह चुका हूँ, आज इस साल के आखिरी शनिवार को फिर कहता हूँ कि 2019 में जो लोग, जो नेता, चाहे वो अखिलेश है, माया है, ममता है, चंद्रबाबू नायडू हैं, सी चंद्रशेखर हैं, स्टालियन हैं, और जितने बड़े बड़े नेता हैं, इनको अगर कोई एक सूत्र में पिरोकर आगे लेकर आ सकता है तो उसका नाम है शरद पवार। जी हाँ। और यही मुझे दिखाई देता है महाराष्ट्र में, जिस तरह से उन्होंने दिग्गज नेता बिहार के पूर्व गवर्नर श्री डीवाई पाटिल को अपने साथ लिया, डीवाई पाटिल के बेटे सतीश को जो होम मिनिस्टर थे उनको साथ लिया, प्रशांत हीरे का बेटा भी एमएलए है उसको साथ लिया, और बड़े 5-6 नेता और जो हैं उनको साथ लिया, और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि 3-4 और दिग्गज नेता एनसीपी में शामिल होते हुए दिखाई देंगे। डेफिनेटली शरद पवार केंद्र में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। सितंबर तक उनके ऊपर शनि की महादशा चल रही है, शनि जाते जाते एक बड़ा उपहार देने वाला है उनको, और उनकी बात को टालता कोई नहीं है। इवन पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी बहुत बार आपने देखा होगा कि उनको मिलते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। राजनीति में विरोध बाद में होता है, सबसे पहले एक आदमी की विशेषता, उसकी उम्र, उसका तजुर्बा देखा जाता है। इसलिए उस तजुर्बे की वजह से शरद पवार जो है वो भारत की राजनीति में एकमेव सबसे बड़े पहलवान बन के उभरेंगे, और देवेंद्र फडणवीस हो, उद्धव ठाकरे हो, चाहे कोई भी दूसरा नेता हो, जो इतर छोटे छोटी पार्टियां हैं, चाहे वो विनायक मेटे हैं, चाहे वो जानकर है, चाहे वो बाकी पहले विनायक राव थे, ऐसे छोटी छोटी पार्टियां जो हैं, इन पार्टियों को भी शरद पवार अपने साथ लेकर जी हाँ डेफिनेटली महाराष्ट्र के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर सकते हैं, और आगे आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में डेफिनेटली एनसीपी को कांग्रेस से ज़्यादा सीटें मिलने की शंका मुझे कुंडली के माध्यम से दिखाई देती हैं। सुप्रिया ताई सुले की कुंडली का अध्ययन कर लो, शरद पवार साहब की पत्नी प्रतिभा ताई की कुंडली का, क्योंकि पति और पत्नी की दोनों की कुंडलियों का मैं अध्ययन करता हूँ। अजीत पवार उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले, ये सब पांचों की कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद एनसीपी महाराष्ट्र की डेफिनेटली एक दिग्गज पार्टी बन के उभर सकती है। और यहाँ तक लोकसभा के इलेक्शन की बात करें तो शरद पवार डेफिनेटली सब विरोधियों को एकत्रित करके सोनिया गांधी के हाथों को और मजबूत कर सकते हैं, और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, और हो सकता है खुद भी उनको एक बहुत बड़ा उपहार मिले जो उप प्रधानमंत्री का हो सकता है, और बड़ी बड़े बड़े दिग्गज
नेता की भूमिका में भी वो आ सकते हैं। इवन कहीं ना कहीं कुंडली के माध्यम से शनि उनको प्रधानमंत्री तक की उपाधि के पास पहुंचा सकता है। इसलिए मैं तो उनकी अच्छी सेहत की कामना करता हूं। जी बिल्कुल।